कन्नौज में आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार उस समय तमाम छा गया है जब घर में एक युवक ने कीटनाशक जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। ये घटना कन्नौज क्षेत्र चौकी खिड़नी के ग्राम गुबरिया निवासी मृतक शिवम की शादी 9 फरवरी 2018 का पूजा पुत्र खुशी लाल निवासी सरसाई खानपुर कन्नौज से हुई थी। हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। शिवम के पिता खुशपाल एक माह पूर्व बिजली से करंट लग गया था। इलाज कराने की सारी पूंजी चली गई है। परिवार की आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनका घर का बड़ा पुत्र होने के कारण पूरी जिम्मेवारी आ गई थी। उसी वजह से चलते हुए दिल्ली नौकरी पे चले गए। वह बीमार पड़े रह गए। उसके बाद ही उसने जहर खा लिया, गुमसुम रहने लग गए, कीटनाशक दवा खाकर अपनी लीला को समाप्त कर लिया। देख सकते हैं प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए कन्नौज से। भैया हमारे दिल्ली गए थे नौकरी करने के लिए, वहाँ नौकरी करते ही हो गए बीमार। वहाँ से घर वापस आए तो घर मेरा बिल्कुल गरीब था। इस चक्कर में भैया ने ऐसा कदम उठा लिया। पहले उनके पिताजी को बिजली ने करंट से मार दिया। इसके बाद वो कुछ साफ ऐसी तंगी आ गई तो फिर वो दिल्ली निकल गए और दिल्ली में फिर उन्होंने काम किया। वो साहब फिर वहाँ कुछ दिन काम किया। इसके बाद वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ जाने के बाद साहब वो फिर घर वापस आए तो वो घर की परिस्थिति देख के उनका कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो साहब उस तंगी को देखकर उन्होंने ये साहब आज कदम। कुछ दिनों पहले भाई साहब को करंट ने पकड़ लिया था, उनका काफ़ी इलाज चला, इसलिए मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वो दिल्ली नौकरी करते थे, वहाँ बीमार हो गए और वहाँ से आए यहाँ भी मानसिक स्थिति खराब रहती थी। पहले वो काफ़ी खुश रहता था लेकिन उसकी अब स्थिति बहुत गड़बड़ी हो चुकी थी। अब पता नहीं उसने ये कैसे कदम उठा लिया, क्या टेंशन थी उसको, कीटनाशक दवाई खा के खुदकुशी कर ली। मुझे जो कुछ वो काफ़ी डाउन हो चुके तब पता चला तो लेकर तुरंत ले अस्पताल लेकर गए तो यहाँ मतलब मना हो गए तो फरकाबाद लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।